Aslan Alaikum students, how are you? I am fine. Thank you. As we were finishing our talk on television, we were taking a view of how the television was introduced in the area of mass communication. And as we talk about mass communication, in fact, we are in a continuation of the subject. Starting from uh, the print medium and staying there for uh, quite some time, and also observing some technological advancement that was introduced to uh, the print medium and improved it to an extent where, uh, in fact, when we generally say media, we, we refer it to print media because the impact of uh, print media due to those technological advancements was so great on the society that print media in fact still dominates the scene but as uh, it happened there came uh, the time when photography was introduced and soon after in the well in the last quarter of the 19th century when photography was introduced soon after we had motion pictures people were talking about uh, motion pictures and uh, absolutely something new on the landscape of mass communication appeared. Movie making was altogether a different uh, thing as compared to the print medium. Very popular, it got very popular in the beginning. And film medium. The motion pictures were hardly in the in the phase of maturity when another technology hit the mass communication and it was in the form of radio. Radio when it started in the, the third decade of uh, the 20th century created so much interest among the people.

उन्होंने विजुअल मीडियम के ऊपर और एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए और इन द सेम डेट इज 20s 24 में 1924 टी फोर में लॉगीबर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट करके लोगों को दिखाया कि इमेज आवाज तो हो ही रही थी रेडियो के मार्कनी का जो कारनामा था और दूसरे साइंटिस्ट का भी लॉगीबर्ड ने उन्हीं रेडियो वेव्स के हवाले से दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवस के हवाले से आर एफ हम कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो रेंज थी उसी को यूज करते हुए इमेज ट्रांसफर कर दिया अपने एक डिवाइस बनाए उन्होंने जिसमें उन्होंने ट्रांसमिट किया और उसको रिसीव किया अ सिस्टम यू यू कैन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव इमेज एट अ डिस्टेंस और 27 में 1927 में उन्होंने बाकायदा इसका एक आगाज कर दिया और वो इमेज जो हमने आपको दिखाया भी था कि वो जो इमेज अभी तक महफूज है उन किताबों में जो अभी बहुत पुरानी नहीं हुई अभी उनको सौ साल भी नहीं हुए उन किताबों को और वो इमेज आज भी आपके पास महफूज है जिसे हम कह सकते हैं कि पहला टीवी इमेज जो पब्लिक में आया उसके बाद तो जैसे हमने कहा कि कोई डर थी नहीं थी। ये मैकेनिकल टेलीविजन हुआ करते थे तो इसके बाद से फिर इलेक्ट्रॉनिक आना शुरू हो गया जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के हवाले से आना शुरू हो गया फिर कलर्ड आना शुरू हो गया श्रियात बढ़नी शुरू हो गई फिर इस तरह पाकिस्तान में भी टीवी वी की आमद हुई तो मैस कम्युनिकेशन के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हम अगर हम एक लंबा लॉन्ग व्यू लेंगे उसका तो हमें लगता है कि मैस कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ों की आमद होती रही है और होती जा रही है फ्यूचर में क्या होगा ऑनली गॉड लेकिन ये बात तय है कि नई चीज़ें जो हैं वो आती रहेंगी तो मैस कम्युनिकेशन के हवाले से जब बात हो रही है और टी के असरा की बात हो रही थी बहुत ज़्यादा इन मीन टाइम एक और एरिया सामने आया जिस तरह हमने देखा कि जब मैस मीडिया की तरक्की हो रही थी जब प्रिंट मीडिया की तरक्की हो रही थी तो एक एरिया सामने आया वो एडवरटाइजिंग की शक्ल में और बाद में उसने एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली कि वो अपने तौर पे एक इंडिपेंडेंट एरिया ऑफ मैस कम्युनिकेशन बन गया अगरचे उसको सहारे की जरूरत है जो मास कम्युनिकेशन के जो हम जो फॉर्मल एरियाज जिनका हम जिक्र करते हैं उसके सारे की जरूरत है मगर अपने अंदर वो शोबा एक कंप्लीट फील्ड बन गया और उसकी ग्रोथ का आलम ये हुआ और उसके इम्पेक्ट का आलम ये हुआ कि बहुत सारे जो रेगुलर फॉर्म्स थी मास कम्युनिकेशन की वो उस शोबे पे डिपेंडेंट होना शुरू हो गई और आज ये आलम है कि अगर आप कोई अखबार निकालें को रेडियो शुरू करें या आप कोई टीवी चैनल शुरू करें तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि इश्तेहार कहां से आएंगे एक वो जमाना था जब इश्तहारों वाले ये सोचते थे कि इसका इश्तहार कहां पर दें इतनी चेंज आ गई या आप यू समझ लीजिए कि एडवर्टाइजिंग एरिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया ओवर द सेंचुरीज मैस कम्युनिकेशन के रेगुलर ऑर्गेन थे दे स्टार्टेड बैंकिंग ऑन दिस एडवर्टाजमेंट तो आपस में इनका बहुत गहरा लिंक है तो ऐसी बहुत सारी चीजें भी आता आज डेवलप होती रहती है जो बहुत रेगुलर ऑर्गन नहीं लगता देखने में लेकिन उनका जो ऑर्गे ऑफ मास कम्युनिकेशन हम एडवर्टीजमेंट की बात तो कुछ के बाद दोबारा से करेंगे क्योंकि हमने इसको अधूरा छोड़ दिया था एक आध सेटिंग करके जब प्रिंट मीडिया के बारे आई थी मगर इस वादे के साथ के जब हम अलक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करेंगे तो फिर हम दोबारा से इसको देखेंगे कि एडवरटाइजिंग की दुनिया में क्या उस तो तो बात होगी जब इश्तहार के बारे आएगी मगर आज हम एक ऐसी ही चीज़ का कर जिक्र करेंगे जो मैस कम्यूनिकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा तरक्की पा चुका है ये एरिया और इस एरिया के हवाले से अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि बहुत सारे दूसरे शोबे जो हैं उनका काम जारी रखा जा सके ये एरिया है बहुत पॉपुलरली जिसे कहते हैं पब्लिक रिलेशन पब्लिक रिलेशन जैसे इसके नाम ही से जाहिर है कि दूसरों के साथ ताल्लुक कायम करना है अ प्योर केस ऑफ कम्युनिकेशन हाउ यू कैन हैव है पब्लिक विद अदर पीपल ओनली वेन यू कम्युनिकेट एंड वेन यू आर डूंग इट एट अ मैसिव लेवल

वो कहते हैं कि आपने तरक्की क्यों नहीं की कहते हैं आपकी पीआर वीक थी पब्लिक रिलेशनिंग वीक थी आपकी जो जो ताल्लुकात आमा की आपके जो अप्रोच है वो कमजोर थी इट इज आल्सो ट्रू देर आर पीपल इन डिफरेंट डिफरेंटियर ऑफ लाइफ अप्रोच टू वर्ड पब्लिक रिलेशन एंड दे इनफैक्ट राइज देडर रादर क्विकली एज कंपेयर टू दीपल हु आर क्वाइट प्रोफिशेंट एंड एफिशेंट In their uh, profession, in their trades, but they do not rise as much because their public right. relationing is weak, questionable, or they do not pay attention to this area. So that shows how important this area is. It is not confined to this joke, but there is some meat here. वेन वी टॉक अबाउट पब्लिक रिलेशन बहुत कॉमन होता जा रहा है अब तो इसकी नो हाव बहुत ज्यादा हो गई है और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि मैस कम्युनिकेशन अपनी जगह लेकिन जो पब्लिक रिलेशनिंग है इसका अपना एक ऐसा मकाम है जिस तरह एडवर्टाइजिंग के शोबे ने अपना एक मकाम बना लिया इसी तरह पब्लिक रिलेशनिंग के शोबे ने एक मकाम बना लिया अब तो हालत यह है कि जो मुख्तलि गर्मेंट हैं मुख्तलिंट्रीज में गर्मेंट्स हैं देव सेपरेट डिपार्टमेंट्स

क्योंकि वो स्टेट रन डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका काम होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशल हैं जो मिनिस्टर्स हैं जो टॉप नॉचर्स हैं गवर्नमेंट्स के उनके बारे में उनकी जो एक्टिविटीज हैं और उनके हवाले से जो भी काम होता है डेवलपमेंट का और मैंटेन्स का जितना भी काम है गवर्नमेंट को रन करने का उसके बारे में عوام को मैसेज को मुसलसल इतलात जो है वह पहुंचाई जाए इतना स्पेषलाइज्ड एरिया है कि अब ये काफी नहीं है कि एक मिनिस्टर जो है वो खुद जाके लोगों को ये बताएं मैं क्या कर रहा हूं इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर फॉर दर्पज बिकॉज इट्स एरिया व्हाट द डू दे इम्प्लॉय पीपल फॉर दिसट से फॉर दिस पर्पज वे कंपनीज डूंग एंड डोंट कंफ्यूज दिस विदाइजिंग एडवरटाइजिंग इज एट देर मे बी समीन पब्लिक रिलेशनिंग एंड एडवरटाइजिंग कुछ ग्रे एरिया तो हो सकता है बट दे आर डिफरेंट एंटिटीज जिस तरह मैस कम्युनिकेशन के बहुत सारे एरियाज में ओवरलैपिंग का एरिया होता है जैसे खबरें अखबार में भी हैं खबरें रेडियो पे भी हैं खबरें टीवी पे भी हैं खबरें आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी कुछ ग्रे एरिया होता है आपस में उसमें करने का सो पब्लिक रिलेशनिंग सम ग्रे एरिया विद एडवर बट एडवरटाइजिंग एरिया डिफरेंट एरिया और पब्लिक रिलेशनिंग जो है वो डिफरेंट एरिया जैसे हमने कहा ये कहा जाता है कि आप अपनी जब कोई इंसान ये कह रहा हो कि बावजूद बहुत मेहनत करने के मैं तरक्की नहीं करता तो यार लोग जो हैं यानी जो दोस्त अहबाब हैं वो ये कहते हैं कि आप अपनी पी आर को बेहतर करें सो वी विल सी नाव इन सीटिंग दिस पब्लिक रिलेशनिंग पब्लिक रिलेशनिंग का मामला जो है या कहा से ये जैसा कि ये बात वाजह है कि ये मैस कम्युनिकेशन के बाद की बात जब सोसाइटी में मैस कम्युनिकेशन के हवाले से बात हुई और जो कॉन्सेप्ट थी वो मैसेज को कम्युनिकेट करने के हवाले से जब बात हुई उसके बाद की ये कॉन्सेप्ट है जिस तरह एडवर्टाइजिंग भी उसके बाद की एक कॉन्सेप्ट है उससे पहले जब मैस कम्युनिकेशन की चीजें नहीं थी जब प्रिंट मीडियम भी नहीं था तो देर वॉज ए टॉक कोई बड़ी रेयरली टॉक होती होगी कि लेकिन जो इश्तहार जो है वो देना है या किस तरह से इसका जिक्र किया जाए मगर जब ये अवेलेबल हुआ मैस कम्युनिकेशन के एरिया तो इश्तहार की सोच भी डेवलप हुई और एरिया हुआ बिल्कुल इसी तरह लाइक वाइज पब्लिक रेशनिंग डेवेल लेकिन ये काफी बाद में डेवलप हुआ इसकी जो कॉन्सेप्ट है इसके जो ट्रेसिस हैं उसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसी हिस्टोरिकल उसमें वो नहीं मिलता एक बहुत पुराने जमाने से पब्लिक लेशनिंग का बाकायदा एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती हो वैसे तो ह्यूमन नेचर में पब्लिक लेशनिंग का एरिया इतना ही पुराना होना चाहिए जितनी इंसान की अपनी तारीख है क्योंकि दूसरों से ताल्लुक रखना तो है हम बात कर रहे हैं इसकी एक फॉर्मल अपीयरेंस की जहां पर जाकर यह देखा गया कि ये एक जिसको कांशियसली देखा गया कि ये एक एरिया है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है जिसकी रिसर्च की जरूरत है और जिसके हवाले से बहुत सारा काम सोसाइटी में किया जा सकता है यह तभी मुमकिन था जब आपको कुछ मीन्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन अवेलेबल होते क्योंकि उनके अवेलेबल ना होने की फॉर्म में यह बड़ा मुश्किल है कि आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचें पब्लिक लिशनिंग के बारे में क्योंकि आप चंद लोगों तक तो पब्लिक लिशनिंग कर पाएंगे लेकिन अगर मैस कम्युनिकेशन के मीन्स नहीं तो आपकी जो पब्लिक है वो बड़ी महदूद रहेगी और अगर वो अवेलेबल है तो आपकी जो पब्लिक का एरिया है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी हम यही देखते जो पब्लिक है, किस तरह से एक फॉर्मल शक्ल में सामने आई इसकी अगर हम देखिये पहले तो आप ये देखिए कि किस चीज को पब्लिक को बहुत समझा जाता है कि बट दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व प्रमोटिंग डिजायरेबल इमेज ऑफ अ पर्सन

पब्लिक रिलेशनिंग के सेंस में इतना ज्यादा नहीं आएगा आप पहले उसको प्रमोट करना किसी चीज़ को तालुकात के हवाले से और फिर उसको सस्टेनेबल बनाना जो है ये पब्लिक रिलेशन की मैनेजमेंट के हवाले से हम इस बात को देखते हैं हिस्ट्री में कोई ये लफ्ज़ कब इस्तेमाल हुआ इसके कोई खास ट्रेसेस नहीं मिलते लेकिन ख्याल है कि अट्ठारह में अमेरिका में पहली दफा रेलवे के हवाले से एक किताब लिखी रेलवे के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से उनकी एक, एक एनुअल रिपोर्ट आप कि जब 19वीं सदी तकरीबन अपने 20वीं सदी का जब आगाज हो रहा था तो उस वक्त हवा में इसका कुछ जिक्र हुआ कि एक चीज होती है जिसे आप पब्लिक रिलेशन कहते हैं जिसको एक फॉर्मल तरीके से समझने की जरूरत है और उसके हवाले से आप मैसेज में एक आप यूं समझिए कि पेनिट्रेशन जो है वो कर सकते हैं सादा लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक रिलेशनिंग का बाकायदा जो आगाज है एक सब्जेक्ट के लिहाज से इट इज केस ऑफ अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी जहाँ इसको ज्यादा तरीके से एक ज्यादा फॉर्मल तरीके से समझाएगा जैसे हमने कहा पब्लिक रिलेशनिंग तो हमेशा से रही होगी जब बादशाहों का जमाना होगा जब कोर्ट रूल करती होगी जब चर्च का जमाना था तो लोगों के साथ ताल्लुक तो बहरहाल होता होगा लेकिन पे एक ताल्लुक था वो नहीं था या अपना जो जैसे हम कहते हैं कि डेमोग्राफिक चार्टो है उसके हवाले से पी आर का मामला इतना मिच्योर फॉर्म में नहीं था इतना फॉर्मल फॉर्म form में मौजूद नहीं था जितना बीसवीं सदी के आगाज से लोगों ने इसके ऊपर सोचा और उसके हवाले से किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 20वीं सदी के, के शुरू में दूसरी उसकी दहाई में उसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी हो गई और पीआर का ज्यादा काम जो था जो ज्यादा जो इसके आप कह लीजिए जो सोशियोलॉजिस्ट हैं जो इसके साइंटिस्ट हैं जो रिसर्चर्स हैं उनका ज्यादा का ताल्लुक जो है वो अमरीका से रहा पब्लिकेशनिंग के हवाले से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमरीका इसमें शामिल हुआ तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक जो बहुत पॉपुलर है हिस्ट्री में क्रील कमीशन बनाया अमेरिकन गवर्नमेंट को ये खौफ था कि जो लोग हैं वो इस चीज को बहुत पसंद नहीं करेंगे कि अमेरिका ने इस जंग में क्यों छलांग लगा दी तो तब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिकन गवर्नमेंट ने यू किया कि क्रील कमीशन एक कायम किया उस कमीशन का ये काम था कि वो लोगों को ये बताए कि अमरीका का इस जंग में शामिल होना बहुत जरूरी है ना यूसी इट वॉज अ केस ऑफ

तो ये बहुत था कि अमेरिका के लोग ये सोचे कि हमारा इस जंग से क्या वास्तव था ये तो यूरोप में हो रही है ये तो जर्मनी की और जर्मनी की कुछ मुल्कों के साथ लड़ाई है और वो फैलती जा रही है उनके आपस में लड़ाई अमेरिका का इसके साथ क्या ताल्लुक है तो खतरा ये था कि कहीं अमेरिका के अंदर इसका बैकलैश ना हो जाए जो अमरीका ने उसमें पार्टिसिपेट किया है उसे बचने के लिए उन्होंने क्रील कमीशन बनाया अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है तीन लोग इसमें शामिल हुए आई विली आपने अगर पब्लिक रिलेशनिंग के अगर कोई आप स्पेसिफिक स्टूडेंट हो अलग से आप देखो जानते होंगे दूसरे इसमें से एडवर्ड बर्नी और कार्ल तीन लोगों पे मुश्तमिल था ये वाला कमीशन क्या आप ये काम कीजिए अब बुनियादी तौर पे यह काम था पब्लिक रिलेशनिंग का कि आप इस आइडिया को प्रमोट करें अमंग अमेरिकन पीपल That the decision taken by the American government to jump into First World War was correct. How would you do that? You need special treatment of this idea. It should not backlash because American soldiers were being killed in the second, in, in this First World War. Why they were put in this war? Why they were sent to fight for on the, on the part of the Allied? It was a war between Germany and the other, other nations. अमेरिका के अंदर उस वक्त भी इसके ऊपर बहुत बात थी करील कमीशन ने बहुत इफेक्टिवली काम किया और बहुत सक्सेसफुली ये काम किया उन्होंने लोगों को बावर करवा दिया बहुत जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव तरीके से कि अमेरिका का इस जंग में शरीक होना नागजीर था और ये मजमुई तौर पे अमेरिकन इंटरेस्ट के बहुत फेवर में गया स इज वॉट द मेड अमेरिकन पीपल बिलीव इन द फर्स्ट पार्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी और लोगों को यह एहसास हुआ कि अमरीका का इस जंग में शामिल होना बिल्कुल ठीक है यह पहली एक बाकायदा एक्सरसाइजरसाइजिंग जिसमें पब्लिक रिलेशनिंग के हवाले से आवाम को यह बताया गया इस आइडिया को प्रमोट किया गया कि इस जंग में शमूलियत एक तो नागुजीर थी और अमेरिकन मुफाद के लिए बड़ी जरूरी थी और इसके रिजल्ट ये निकले कि इस जंग में शिरकत के बायस अमेरिका में कोई ऐसा इसका रिएक्शन सामने नहीं आया अवमी सतह पर उसमें करने का लेकिन साथ ही साथ इसमें हुआ ये कि जो एडवर्ड बर्नी ही रोज व्हाट लेटर कॉल फादर ऑफ पी तीन लोग थे वैसे तो सारे लोगों ने उसमें काम किया लेकिन एडवर्ड बर्नी जो थे ये उसमें से उस जंग के बाद एक बड़ी प्रोमिनेंट फिगर बन के सामने आए चैंपियन फादर ऑफ पब्लिक रिलेशनिप ये जो एक नई चीज अब सामने आई थी इनका ये मानना था कि नो टू प्रोपेगेंडा एंड यस टू पीआर आर पी पब्लिक रिलेशनिप प्रोपेगेंडा जो था वैसे तो प्रोपेगंडा जैसे हमने आपसे जिक्र किया जिस तरह और पी आर का, हो है। तरह हमने किया था का we so बहुत सारी चीजें जो थी वो साथ साथ मिलती चली जा रही प्रॉपेगेंडा शुरू से होता होगा जब से इंसानी तारीख जितनी पुरानी है I, I believe, तो उस वक्त से भी होता होगा पुराने जमाने में भी बादशाह जो है, है प्रॉपेगेंडा करती होंगी लेकिन वाई दिसम पॉपुलर इन दार्ट ऑफ

वो शायद खत्म हो जाती है। उनका उनके जो थ्रस्ट है उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन प्रॉपेगंडा के जो टर्म जो शुरू में तो बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुई थी बेसिकली चर्च ने इसको जैसे हमने जिक्र किया था प्रमोशन ऑफ मिशनरी एक्टिविटीज ये प्रॉपेगंडा की टर्म पहली दफा पोप ने इस्तेमाल किया था लेकिन क्या हुआ कि बहुत साल अच्छे फॉर्म में इस्तेमाल होने के बाद जब जंगों में प्रॉपीगेंडा इस्तेमाल होना शुरू हुआ और फिर इसका वाइट और ग्रे और ब्लैक शेड आना शुरू हो गया जिसका हमने बहुत डिटेल में आपसे जिक्र किया था तो इसका जो एक ओवरऑल परसेप्शन बना वो नेगेटिव था कि प्रोपेगंडा शुरू तो मजहब की तबलीग से हुआ ये लफ्ज़ लेकिन इसके एंड कहाँ पे हुआ मनफी तरीके से लोगों ने कहा कि देखे ये जमहूरी हुकूमतें जो है

जब वो एक पब्लिक रिलेशनिंग के हवाले से जब बात हो तो कमीशन के हवाले से और जब उन्हें ये अंदाजा हुआ कि नाउ ही हो दिस इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक रिलेशनिंग ओवर द सोसाइटी तो पहला उनका जो था जो उनकी एक जिस लाइन पे उन्होंने फिर बाद में काम शुरू किया था कि, नो टू प्रॉपे गी आर की उन्होंने शेप प्रॉपे से बिल्कुल अलग कर दी इसकी एक बहुत पॉजिटिव साइड है पब्लिक रिलेशनिंग की और जनरली उसके बाद जो पब्लिक रिलेशनिंग है इस्तेमाल में आया जबकि प्रॉपिक्यू राधर इट वॉज मोर यूज फॉर नेगेटिव एक्टिविटीज जब बर्नी जब फर्स्ट वॉर खत्म हुई एक केस स्टडी आपके पास स्टूडेंट हैंड में होगी आप उसको देखिएगा बर्नी ने एक, एक सीगरेट प्रमोशन उस जमाने में खबर सीगरेट ने दी थी खवतन में बहुत झिझक थी कि वह पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट भी हैं तो ये सिगरेट कंपनीज थी उनका ये थोड़ा सा प्रेशर था कि ये पॉपुलर होना चाहिए उनका जो डेमोग्राफिक एरिया था वो उसको चेंज करना चाहते थे तो हाइड सर्विस ऑफ मिस्टर बर्नी मिस्टर बर्नी ने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया और उसमें उन्होंने कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज की अपनी पब्लिक रिलेशनिंग स्किल्स की वजह से कि उन्ही दिनों में फिर खुतिन में भी जो सिगरेट थे वो पॉपुलर हो गए अगेन इट शोड कि जो पब्लिक रिलेशनिंग की टेक्निक्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉय किया जाए इट फेचेस रिजल्ट्स एडवरटाइजिंग के साज़े से हमने कहा किसका एक ग्रे एरिया है मगर उसका फर्क जो है भी हम देखेंगे इन एडवरटाइजिंग यू परमोट समथिंग फॉर कमर्शियल परपजेस सम प्रोडक्ट सम सर्विस

एडवरटाइजिंग और पी uh, ये दोनों मार्केटिंग का हिस्सा है बट देर इज अ लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू और जो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है उनके लिए तो ये बहुत मार्क्ड डिफरेंस है एडवर्टाइजिंग में तो आपका जो प्योर इंटरेस्ट है वो कमर्शियल है चाहे आप किसी प्रोडक्ट का इमेज प्रमोट कर रहे हो चाहे आप किसी ह्यूमन फिगर का प्रमोट करना चाह रहे हो उसके पीछे जो इंटरेस्ट है दैट इज कमर्शियल जबकि पी आर में आप कमर्शियल के अलावा भी इमेज प्रमोट डिफरेंट एरियाज़, सिलसिला चलता रहा पी आर प्रमोशन का और मैस कम्युनिकेशन के हवाले से ये काम होता रहा 1950 में पब्लिक रिलेशनिंग सोसाइटी ऑफ अमेरिका उन्होंने अपना एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक रिलेशनिंग सेट किया आप ये देखिएगा के पब्लिक रिलेशनिंग का एरिया भी बहुत पुराना एरिया नहीं है अपनी फॉर्मल प्रेजेंटेशन में अपनी फॉर्मल आउटलुक में 1950 की बात है यानी अब से आप यूं समझिए कि पचास साठ साल की बात है जब इसने एक फॉर्मल शक्ल ली जब पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने इसके जो प्रोफेशनल कोड थे उसके हवाले से बात करनी शुरू की और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिसको हर सूरत में ऑनर किया जाएगा जैसे एडवोकेसी ऑनेस्टी एक्सपर्टीज इंडिपेंडेंस लॉयल्टी एंड फेयरनेस छह, उन्होंने ये चीजें सामने रखी कि जब आप पब्लिक रिलेशनिंग का काम करेंगे तो आप इन चीजों को देखेंगे इसी तरह जो उन्होंने बनाया गया एक और जो प्रोविजंस हासिल होंगी पब्लिक रिलेशनिंग के लिए उसमें फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन ये बड़ा जरूरी पब्लिक रिलेशनिंग के लिए कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है फॉर हेल्दी ग्रोथ डिस्कलोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन देखिए प्रॉपिगंडा में आप ये जरूरी नहीं कि आप ये बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले लेकिन पब्लिक रिलेशनिंग में आपको ये बताना जरूरी है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। सेफगार्डिंग कॉन्फिडेंस और कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट और एनहेंसिंग दोफेशन ये सारी चीजें जो थी ये नाइनटीन में एक फॉर्मल शक्ल के तौर पर सामने आना शुरू हुई और इसका जिक्र जो था उसी के हवाले से ये सारे जो पब्लिक रिलेशनिंग की डाउन लाइंस थी उनको प्रमोट किया गया बात करते हैं मैथडोलॉजी की पब्लिक रिलेशनिंग के लिए आपको एक फॉर्मल मैथडोलॉजी की जरूरत है अगर आप एक फॉर्मल मेथड को फॉलो नहीं करें तो आप अपनी पब्लिक रिलेशनिंग को प्रमोट नहीं कर सकते यानी पब्लिक रिलेशनिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने इसको सोचा और आपने इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में आपके जहन में आएगा ये ये इस तरह से होगा तो ये हो जाएगा ऐसा नहीं इसके बाकायदा फॉर्मल मेथड्स हैं इसको प्रमोट करने के कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप पब्लिक रिलेशनिंग के लिए जो सबसे ज्यादा फॉर्मोस्ट है और बहुत कॉमन है जो वह है न्यूज रिलीज यानी न्यूज को रेडियो को और टेलीविजन को आप तो एक म्यूनिकेशन भेजते हैं इसको आम फेहम जबान में हम लोग जानते हैं इसको हम न्यूज रिलीज कहते हैं ना वट इज इट अगेन द कंटेंट ऑफ न्यूज रिलीज आर कंसर्न विद दई चीज है कोई आइडिया है कोई ख्याल है विसन कोई पॉलिटिशियन है कोई एजुकेशनिस्ट है किसी भी और सफियर में है आप उसकी प्रमोशन करना चाहते हैं वट यू वू हाउड यू एक्सप्लोइ दिस मैस मीडिया फर्स्ट एंड बहुत कॉमन भी है इज न्यूज रिलीज आप मैस कम्युनिकेशन के जो جیسے ہم نے जैसे हमने कहा कि ویژن یا या अखबार या اس इस किस्म की जो चीजें وہاں پر पर आप ریل کی की ریلیز کی की फॉर्म में भेजेंगे बहुत कॉमन है अगर आपको किसी अखबार के दफ्तर में जाने का इतफाक हो तो आपको तकरीबन हर रोज एक पलंदा मिलेगा यूड फाइंड ऑफ पेपर एज न्यूज रिलीजे फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच आर बिजी इन प्रोमोटिंग इन गुड पी आर विदेज और विद क्लाइंट थ्रू मैस मीडिया और थ्रू देर टू देयर डेमोग्राफिक चार्ट डेमोग्राफिक न्यूज रिलीज वैरी ऑल दो मैटर जो वो ये चाहते हैं अखबार में आ जाए नॉट एज एन एडवर्टीज माइंड यू इश्तार भी दे सकती है ना वो लोग लेकिन इश्तेहार देने से तो फिर वो एडवर्टाइजिंग नहीं चला जाएगा फिर वेयर इज अर सो टू कीप दी आर इन टैक्ट जैसे हमने कहा गया एक मैसेडोलॉजी है एंड यू यूज सर्टन टूल टू प्रमोट न्यूज रिलीज उसके बाद इसी हवाले से वो न्यूज कॉन्फ्रेंसिस लोग जो है बहुत कॉमन चीज आप रेडियो टेलीविजन पे दे भी देखते होंगे पॉलिटिशियंस को और मिनिस्टर्स को होल्ड करते हुए न्यूज कॉन्फ्रेंसेज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन विच आर पी आर ऑर्गेनाइजेश रिलेशनिंग ऑर्गेनाइजेशन They also go for holding these press conferences. They call the media people and tell them uh, what they feel about an idea or about a person or about some project or some activity where they want to use their PR obviously for the purposes of promotion. News conferences. Security. एक और टूल बहुत यूज किया जाता है स्पीकिंग एंगेजमेंट हम इसे कहते हैं अब स्पीकिंग एंगेजमेंट क्या है जैसे कुछ लोगों को इकट्ठा करके और वहां पर मीडिया के लोगों को भी इकट्ठा करके नॉट एज ए न्यूज कॉन्फ्रेंस न्यूज कॉन्फ्रेंस में तो आप मीडिया के लोगों को डायरेक्ट बात करते हैं बट वेन यू इन्वॉल्व योर सेल्व इन स्पीकिंग एंगेजमेंट फॉर दर्पजेज ऑफ पी आर आप ये उनको इनडायरेक्टली एड्रेस करते हैं मीडिया को जैसे आप एक सेमिनार का एहतमाम करते हैं। उस सेमिनार में आप लाइक like माइंडेड लोग जो हैं जनरली स्पीकिंग उनको बुला लेते हैं और वो उसी टॉपिक पे बात करते हैं अब बात करने वालों में कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं कोई साइंटिस्ट है कोई कोई पॉलिटिशियन है इस तरह कोई ऐसे साहब हैं सोशियोलॉजिस्ट हैं, सोसाइटी में जो एक मकाम रखते सोशल वेलफेयर के काम करने में कई लोग जी है बड़े नोन हैं। अब ऐसे लोगों को बुला के उस आइडिया के बारे में बात करने के कहते हैं जो उस आइडिया के बारे में पॉजिटिव बातें करते हैं जनरली स्पीकिंग मुखालफत में भी बाजुका हो जाती है डिफरेंट नेचर ऑफ अ सेमिनार पीआर के हवाले से जो आप सेमिनार्स करते हैं आप एक स्पीकिंग इंगेजमेंट में ले जाते हैं आप वर्कशॉप ऐसा कर देते हैं कोई आप एक ऐसी एक ऐसा सेमिनार जो है, उसका अहतम करते हैं जहां लोग बात करते हैं मीडिया के लोग मौजूद हैं या आप खुद उसकी बेसिस पे उस सेमिनार की बेसिस पे एक इस किस्म की रिपोर्ट तैयार करते हैं जो आप बाद में मीडिया को भेज देते हैं कि देखिये ये इतने लोगों की राय है इस बारे में इतने الخیال जो लोग हैं सोसाइटी में इस बारे में इस प्रोजेक्ट के बारे में इस आइडिया के बारे में इस शख्स के बारे में जो भी चीज है जिस जिसके ऊपर भी आप अपनी पीआर यूज करना चाहते हैं उसके बारे में इन लोगों की ये राय है ऑब्वियसली जो मीडिया है आपका इट इज कि जब इतने सोसाइटी के अंदर लोग जो है वो इस चीज के बारे में बात करें तो दे ऑल्सो पब्लिश इड एंड वंस दे पब्लिश वंस देडियो पे या अखबार में So, the purpose of the PR person or the PR organization is very well served. Once it appears on any area of mass communication, a report on uh, a consolidated report of a seminar, or if you have invited media people over there, the media people would listen the views of the valuable people from different walks of life, and they would report it. Once things are reported on. Uh, न्यूज पेपर रेडियो और टेलीविजन दर्पज ऑफ दी आर ऑर्गेटर ये चीजें बहुत उसके पी आर के हवाले से करते हैं जैसे हमने आपको पहले इसका जिक्र हो चुका है कि एडवरटाइजिंग में और पी आर में एक बड़ा नुमा सफर्क है उसका जिक्र हो चुका है हम बात करते हैं कि जो लोग पी आर के मामले में इन्वॉल्व होते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है ये बहुत ही टची एरिया है जिस तरह हम बात करते हैं कि जो लोग मैस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं जैसे रिपोर्टर्स हैं एडिटर्स हैं आर्टिकल राइटर्स हैं एडिटोरियल राइटर्स हैं इवन आई वुड से पीपल हु ड्रॉ कैच कार्टूनिस्ट जिन्हें हम कहते हैं इस तरह के सारे लोग जो है अगर टीवी का मामला है तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उन सारों के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है बिकॉज दे आर नॉट डूंग समू थ्री पीपल देइंगशन के जैसे हम जिक्र करते आए हैं सबसे मुश्किल एरिया ये मैस कम्युनिकेशन का के वन यू सेंड अ मैसेज ए क्रॉस वह मैसेज जो है वो मुख्तलिफ शेड के लोगों के पास जाता है मुख्तलिफ मजाहब के लोगों के पास मुख्तफ सोशल सेक्टर के जो लोग होते हैं मुख्तलिफ मुख्त अमीर गरीब लोग जैसे होते हैं जिसे हम कहते हैं कि जो सोशल डिवाइड होते हैं जो इकोनॉमिक डिवाइड होती है उनके लोगों के पास उस चीज़ ने जाना होता है एथनीसिटी की बुनियाद पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे सोसाइटी के कितने ज्यादा डिविजन है लेकिन मैस कम्यूनिकेशन का मैसेज विल गो एकर उसमें एहतियात सबसे पहला सबक है जो सिखाया जाता है इसी तरह जब हम पीआर की बात करते हैं जब आप पीआर के हवाले से मास कम्युनिकेशन की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं अपने पर्पजेस के लिए तो पीआर के लोगों के ऊपर भी बहुत भारी जिम्मेदारी आ जा जाती है सबसे पहले इसी तरह से कि हाउ टू हैंडल दिस पब्लिक रिलेशनिंग एक्टिविटी पर्टिकुलरली वन यू आर डूंग कंपनी ऐसा नहीं हो कि आप कुछ ऐसी बात करें जिससे बजाय कंपनी को फायदा होने के उस कंपनी को कुछ नुकसान हो जाए पहला काम जो आपका है जो पहला गोल है आपका वो तो यह है कि आप एक इमेज क्रिएट करें अपनी उस चीज़ का जो भी चीज़ है फिर आप उसको मेंटेन करें उस इमेज को जो आपने उस चीज़ के बारे में आइडिया के बारे में या किसी इंसान के बारे में कर लिया तो आप है आप उसको मैंटेन करें उस इमेज को उसके मुख्त तरीके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके हवाले से उसको देखें या आप उसको इंडिविजुअल हवाले से देखें आपको उसके इमेज को क्रिएट करना है और उसको मेंटेन करना है ताकि उसकी जो प्रिस्टेज है इन द आइज ऑफ मैसेज वो कायम रहे देखने में यही आया कि अगर फर्ज करें कि कुछ लोगों ने अगर किसी चीज को जैसे अगर हम कमर्शियल बेसिस पे बात करें किसी चीज को इस्तेमाल किया है तो अगर आप ये चाहें कि लोग उस चीज को इस्तेमाल करते रहें ये जैसे ये एडवर्टाइजिंग ग्रे एरिया है तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसको मेंटेन करें एक दफा आपने जब इमेज क्रिएट कर लिया इसी तरह बिल्कुल इसी तरह जब आपने कोई और इमेज क्रिएट कर लिया है फर्ज करें कि आपने किसी पोलिटिकल पार्टी का एक इमेज आप एक पोलिटिकल पार्टी के लिए काम करें एज ए पी कंपनी और पी ऑर्गेनाइजेशन आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का एक इमेज क्रिएट कर लिया अब आपके ऊपर जरूरी है एज ए गुड पीआर पर्सन और गुड पीआर ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन दिस इमेज मेक इट सस्टेनेबल इन द आईज ऑफ द पीपल कंसेंट जो कि पॉलिटिकल पार्टी की सूरत में जाहिर है हम कहेंगे कि जो मैसेज है जो आम आदमी है उसकी नजरों में उसका इमेज बंद हो गया है अब आप उसको कायम भी रखेंगे फिर ही ये इट विल बी रिगार्डेड एज अ केस ऑफ गुड पी बहुत सारे एरिया हैं एजुकेशन का एरिया है जिसमें पीआर की जरूरत है हेल्थ का एरिया है ये वो एरिया है जहां पे आप ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट जिसमें आप लोगों की तवज्जो है इस तरफ रागब कर सकते हैं मैथडोलोजी के बाद टूल्स यूज करने के बाद जिम्मेदारियों के बाद जो चीज सामने होती है एक आप समझिए पी आर के कंपनी के इट इज डन थ्रू अ कैंपेन एक इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन के लिए हम ये देखते हैं कि कितना जरूरी है कि आप उसको एक कैंपेन की शक्ल में दें पहले स्टेप के ऊपर तो आप उसके एक कंप्लीट आउटलुक ड्रा करते हैं कि आपने करना क्या है पब्लिक रिलेशन के हवाले से हम ये देखते हैं कि पहला स्टेप यह है आपका मोटिव क्या है आप अपना गोल सेट करते हैं क्या है दूसरे स्टेप के तौर पे आप जाके ये देखते हैं कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आपको चाहिए जो जो तस्वुर है जो आपने बनाया वट एवर यू हैोल एंड योर आइडिया एंड सेकेंड स्टेप इन दिस कैंपेन इज वी आर टॉकिंग अबाउट Uh, making a campaign of public relations, you need to have a campaign for a sustainable public relations at uh, masses level. So first is you be very clear with your idea. What it is? This is the first step. If you if you are not clear with your idea, there is no question of uh, being successful. And once you are clear with your idea. You need to understand what type of organization you need, how many people you need, and at what level you want to place different people. You want to place their people in an office. You want to place their people in the field. I mean, you need to have a structure of an organization to achieve the goal of uh, your PR exercise. Once these two are done, the next, we will say third step, or the next step is to draw strategies for this PR. Now, drawing strategies means what material you would be using for the purposes of PR. As we talked earlier, you may be using uh, news releases as part of your strategy. Would that do? It, it depends what goal you have set. You want to hold uh, News conferences, would that do? Or you will go for speaking engagements. Or if the goal is huge, you may think of a strategy whereby you are using all these areas or you are applying all these tools as a matter of your strategy. So, goal, the organization, and strategies. And then last you define the target public and after having run a campaign you just get a feedback you want to have a sustainable campaign when you launch a campaign you go to your target audience and you ask them you hold a sort of a research you may call it formal or an informal survey whether message is going across with the same zeal and same effectiveness you have thought of or not. Well, if message is not going effectively and people are not getting influenced by these things, by your PR exercise, you need to change, to bring changes in your organization, number one, or if that is not working in your strategy, are you using news releases where it is not uh, fetching any result to you, you need to use more news conferences, or you are doing these news conferences uh, more than it is required, or you need to use more news releases that is uh, going to be more effective in this particular case. So when you get a feedback from your target target audience, you are in a position to reframe all those things which are which is called.

आप ये समझिए कि देर इज अ फॉर्मल वे ऑफ एवेलुएटिंग जैसे जैसे हमने कहा कि सर्वे कंडक्ट करने का मामला अगेन लिटल टीडियस थिंग टू डू आपको अपने बहुत सारे लोगों को भेजना पड़ेगा फर्ज करेंगे ये इट इज मैंट फॉर पीपल इन द रूरल एरियाजर्ड आपकी जो पब्लिक है जो टारगेट पब्लिक है आपकी वो दे आर पीपल इन द का मामला है। तो बहुत है। और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इतनी नुछ नुछ पीपल इस हाँ। And, आपको एक, एक आप यू समझिए कि एक मुश्किल सी सूरत हाल जो हो जाती है बाज जगह तो पता चल जाता है जैसे आप फर्ज करें जैसे इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिशियस को पता चल जाता है कि उनकी पीआर अच्छी हुई थी या नहीं हुई थी लूज़ द इलेक्शन तो उन्हें अंदाजा होता है कि उनकी जो पीआर थी वो बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन जहां पर कमर्शियल इंटरेस्ट किसी जगह पे इन्वॉल्व हो और वो अपने कमर्शल इंटरेस्ट की वजह से पी की एक्सरसाइज कर रहे होट है

आज से कुछ अरसा पहले 98, 99 में अमेरिका में जो एक उन्होंने सर्वे करके देखा तो पता चला कि एक लाख बाईस हजार पब्लिक रिलेशनिंग के स्पेशलिस्ट जो है उनके पास मौजूद थे कहाँ पे एडवर्ड बर्नी ने शुरू किया था सिर्फ कब की बात है द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी एंड टूवर्ड्स दफ देंचुरी जब उन्होंने जब सेंचुरी खत्म होने पर आई तो उन्होंने फिर देखा कि अब कितने स्पेशलिस्ट हैं बाकायदा ट्रेन डिग्री होल्डर्स जिनके पास इस चीज की सनद मौजूद है कि दे आर एजुकेटेड फॉर्मली एजुकेटेड एंड ट्रेन पीपल वन लैखेंटी टू थाउजेंड और से इतने लोगों की मौजूदगी थी जो ज्यादातर वहां पर मौजूद थे और जो इनडायरेक्ट लोग इसमें इन्वॉल्व थे पब्लिक रिलेशनिंग में ये तो वो थे जो एक्सपर्ट्स थे और जो इनडायरेक्ट लोग थे उनकी तादाद चार लाख पचासी हजार थे जो रजिस्टर्ड थे इस मामले में कहने का मतलब यह था कि ये जब एरिया सामने आया जब हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं और जब मास कम्युनिकेशन की प्रमोशन होती है और जब ऐसी चीजें मास कम्युनिकेशन में सामने आती हैं स्टूडेंट्स तो एक चीज जो हम हमेशा ही देखते हैं मुख्तलिफ हवालों से मैस कम्युनिकेशन के इट क्रिएट्स लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज यंग लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है जब इस किस्म की चीज सामने आती जब जैसे अखबार आए फिर जब एडवरटाइजिंग का जमाना आया फिर प्रॉपीगेंडा का जमाना आया फिर पीआर का जब जमाना शुरू हुआ हमने देखा कि कितनी जॉब्स जैसे अभी हमने देखा कि अमेरिका में कोई एक लाख से ज्यादा बल्कि सवा लाख के करीब तो उसके स्पेशलिस्ट मौजूद थे और जो इंडायरेक्ट थे वो तकरीबन पांच लाख के करीब लोग जो थे मौजूद थे और ये कुछ साल पहले की बात है यकीन अब तक तो बात और बढ़ गई की तो जरूर एक अमेरिकन स्टडी हुई पूरी दुनिया में हम ये बहुत सेफली कह सकते हैं कि कई लाख लोग जो हैं वो पब्लिक रिलेशनिंग के जॉब में इन्वॉल्व है विच इज अगेन इट प्योर केस ऑफ मास कम्युनिकेशन क्योंकि मास कम्युनिकेशन के ही डिफरेंट एरियाज़ को आप यूज करके यू इनफैक्ट गो फॉर योर पब्लिक रिलेशनिंग एक्सरसाइज इफ यू आर वर्किंग ऑन पार्ट ऑफ समर में होता ही कंपनीज जो है वो इस तरह स्पेशर करते हैं जो छोटे स्टेक होल्डर्स होते हैं वो तो बाजुका खुद कर लेते हैं या एक आध बॉय करके लेकिन जो बड़ी कंपनी होती है वो एक पूरा एक सेट ऑफ पीपल दे एम्प्लॉय ऑफ पीपल टू रन देयर बिजनेस ऑफ पब्लिक रिलेशन एज वी आर टॉकउट स्टेट दे है Departments in all four provinces of Pakistan and in uh, Azad, Jammu, and Kashmir, you would find direct rates of uh, public relations. Hundreds of thousands of people, I would say, directly or indirectly employed in those areas, earning very handsomely. Their job is to promote different ideas, different figures belonging to the provinces, different provinces, and using the mass.

इशूज़ हैं जो थोड़ी बहुत तिश नगर रह गई है एक आध सीटिंग में हम उसको भी कंप्लीट कर लें अगली दफ़ा आपके साथ इसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे उस वक्त तक खुदाफिज